अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मेरी वीडियो है कि हम छत के ऊपर अगर क्यारी बनाएं तो उसे किस तरह बना सकते हैं कि हमारा जो लेंटर है उसके ऊपर भी वज़न ना आए और हमारे लेंटर में नमी भी ना आए, और साथ वाली दीवारों में भी नमी नहीं आनी चाहिए। अगर नमी आती है तो हमारी जो दीवारें वो ख़राब हो जाती है, और अगर लेंटर पर वज़न आता है तो लेंटर एक वक्त में जाके 20 से 22 साल बाद जो है गिर भी सकता है, टेढ़ा भी हो सकता है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप ईज़िली जो है आसानी से अपनी जो छत के ऊपर है क्यारी किस तरह बनाएँ जो लेंटर पर वज़न भी ना आए और नमी भी ना आए, ये ख़ास चीज़ें होती हैं, और कितनी हम लेंथ में बना सकते हैं। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, क्यारी हमारी जो है बनना शुरू हो चुकी है, तो लेंटर भी डल चुका है। तो इसमें हमने करना क्या, जो ईंट हमने देखनी है वो एक ज़रूरी मैं आपको बात बता रहा हूँ, ईंट हमने सीधी खड़ी करके ही लगानी। इससे होगा क्या कि छत के ऊपर जो आपका वज़न बहुत कम आएगा, ये देख लें। इसे आपने दूसरे एंगल में ईंट को नहीं लगाना, उससे होगा क्या कि ईंटें जो हैं आपकी बहुत ज़्यादा लगेंगी और जो लेंटर पर आपके वज़न भी जो है ज़्यादा आएगा। तो आपने जो है अपनी क्यारी के लिए जो ईंटें इस तरह खड़ी करके लगानी, इससे जो है आपका समझ लें कि आधा वज़न जो है लेंटर पर आएगा। ये देख, चारों तरफ जो ईंटें मैंने खड़ी करके लगाई, हालांकि मिस्त्री जो आपको कहेगा कि नहीं इस तरह मजबूती नहीं आएगी, तो इस तरह जो है मुश्किल भी पेश आ रही होती है काम करने में, तो आपको मशवरा देगा कि नहीं दूसरी तरह जो है सीधी आप ईंट लगवाएं। लेकिन मैंने जो है कहा नहीं, आपने इसी तरह लगानी है, वो हमारी मर्ज़ी है, अगर हमारा नुकसान होता है तो होने दें। तो ईंट का लेवल जो है मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, ये आपने गौर करना है, आपने इसी तरह ही खड़ी करके ही ईंटें लगवानी है। वैसे जो हमारी थी 300 ईंट लग रही थी अगर हम दूसरे एंगल से लगाते थे, इस एंगल से जो है 150 ईंट हमारी लगी है। तो समझ लें कितना वज़न जो है कम हमारी छत के ऊपर आएगा। तो आपने इस बात का ख्याल रखना कि ईंट हमेशा जो है आपने क्यारी बनानी है तो सीधी खड़ी करके ही लगानी है। दूसरी टिप मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हमने क्यारी बनानी है तो सात होलों की दीवार होगी या आपकी जो भी दीवार होगी उसमें आपने जो है पॉली बैग लगा देना है दो साइडों पर। जिस तरफ भी आपने दीवार नहीं खड़ी करनी होगी उस तरफ जो है आपने पॉली बैग लगाना है, और उससे जो है 2 से 3 इंच जो है गैप रखने सात वालों की दीवार से, या जो भी आपकी दीवार हो बिल्कुल सात वाली दीवार के साथ आपने टच नहीं करनी क्यारी, ठीक है। पॉली बैग जो है आपने एल शेप में लगाना, यानी कि जो लेंटर होगा उसके नीचे भी पॉली बैग होना चाहिए और ऊपर जो है इस तरह इसी में भी पॉली बैग आपने लगाना है। और गैप देख लें, मैंने 3 से 4 इंच गैप रखा हुआ है ताकि जो है सात होलों के घर भी नमी ना जाए और ना ही जो है हमारी छत पे इसके ज़रिए जो है नमी जाए। इतना गैप जो है आपने लाजमी रखना, इससे होगा क्या कि सात होलों की छत पे भी जो है नमी नहीं जाएगी और आपका जो लेंटर है वो भी नमी का शिकार नहीं होगा। पॉली बैग लगाना है और दीवार को आपने 3 से 4 इंच गैप में बनाना है। तो दोस्तों, तीसरी टिप मैं आपको बता रहा हूँ कि जब हम क्यारी बनाएंगे तो हमारा जो मेन लेंटर होगा उससे जो है 1 से 1.5 फुट ऊपर जो है आपने जो है नया लेंटर डालना है, उसे ऊपर रख के आपने क्यारी बनानी है। अगर बिल्कुल आप जो है लेंटर के साथ क्यारी बना देते, उसके ऊपर ही जो है आप नया लेंटर डालते, तो आपकी जो छत है उसमें सैलाब आ जाएगा, नमी आ जाएगी, क्यारी आपको दोबारा जो है तोड़नी पड़ जाएगी और लेंटर भी जो आपका ख़राब हो जाएगा। जब भी आपने क्यारी बनानी है तो याद रखिएगा कि इसका जो लेवल है आपने 1 फुट ऊपर करना है और उसके ऊपर लेंटर नया डालना है, फिर आपने जो है क्यारी बनानी है। तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसके अलावा जो आपने बिल्कुल लेंटर के साथ। चौथी टिप मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हमारा मेन लेंटर है उसके ऊपर भी एक हमने लेंटर डालना होता है, ये देख लें, इस साइज़ का कुछ 4 इंच का ये लेंटर है और ये जो दीवार है हमारी मेन दीवार आ रही है, तो लेंटर का जो वज़न है हमने इस दीवार के ऊपर रखना है, ठीक है। बिल्कुल जो है नीचे लेंटर के ऊपर इसका वज़न नहीं रखना, तो मेन जो हमारी दीवार है ये है, लेंटर जो है हमने नया डाला उसका वज़न इस दीवार पे आएगा जो कि हमारे लेंटर के ऊपर वज़न नहीं डालेगा, ठीक है। ये लेंटर देख लें आप, जो नया हमने डाला है यहाँ तक जो जा रहा है, तो जो क्यारी का लेंटर वो हमने मेन दीवार थोड़ी और उसके ऊपर जो इसको लेंटर को रखा सरिये डाल के, और इसका वज़न जो है हमारा उस दीवार पे आ गया जिसकी वजह से हमारा मेन लेंटर जो है बचेगा। पांचवी टिप मैं आपको बता रहा हूँ, ये देख लें, ये दीवार जो है हमारी मेन दीवार है जो कि जिसके ऊपर हमारा सारा घर बना हुआ, इसी के ऊपर जो है बैक साइड जो थी क्यारी की उसके ऊपर हमने जो है लेंटर रखा, इस जगह से जो है दीवार खड़ी की और इसके ऊपर ही है जो लेंटर का हमने वज़न रखा, तो जो वज़न आएगा वो हमारी जो है मेन दीवार पे आएगा, लेंटर के ऊपर बिल्कुल जो है वज़न नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना कि वज़न हमारी छत के ऊपर नहीं आना चाहिए। तो दोस्तों, ये क्यारी के अंदर वाली मैं आपको जगह दिखा रहा हूँ, इसके चारों साइडों पे आपने गोला बनाना, यानी कि थोड़ा सा दीवार से ऊपर जो है आपने सीमेंट लगाना, और सीमेंट जो है बड़ा तेज़ इस जगह पे आपने लगाना, यहीं से जो सैलाब आपके जो है दीवारों में जाएगी और लेंटर में भी जा सकती है इतनी एहतियात के बाद भी। और ये देख लें, चारों तरफ आपने इस तरह गोला बना देना है कि जो पानी हमारा होगा सेंटर में ही खड़ा रहे, साइडों पे ना लगे, साइडों से जो है वो फिर नमी का बायस बनता है। दोस्तों, गोला जो है मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, चारों साइडों पे जो आपने इस तरह जो है लाजमी लगाना है अपनी क्यारी के अंदर वाले हिस्से पर, और इधर जो आप सीमेंट लगाएंगे वो आपने काफ़ी तेज़ रख के सीमेंट लगाना है, क्योंकि इसी पर जो है सारा जो आपका क्यारी का दारोमदार रहेगा कि पानी जो आना जाना जो भी है नमी आएगी तो इसी वजह से आएगी, इसी जगह से जाएगी, ठीक है।
पानी का लेवल देख ले के जो हमने बनाया बिल्कुल सही इसी जगह पर पानी आ रहा है। दोस्तों जो हमने दीवार के साथ गैप रखा हुआ था उसके ऊपर जो है मैंने इस तरह तिरछी जो है टाइल लगवा दी। अगर हम इसी दीवार में गैप जो छोड़ देते तो बारिश जब होती तो पानी इसके ज़रिए जो है दीवारों में जाता तो हमारे लेंटर को भी नुकसान पहुँचता और जो हमारे हमसाए हैं उनके पास भी जो है उनकी दीवारों तक ये नमी पहुँच सकती थी। तो ये भी आपने चीज़ का खास ख्याल रखना कि टाइल जो है आपने दोनों साइडों पे जो है इस तरह तिरछी लगवानी है, इसके ऊपर बारिश का पानी आएगा और सीधा जो है क्यारी के अंदर चले जाएगा। टाइल जब आप लगाएं तो आपने सीधी नहीं रखनी, जो बारिश का पानी टकराएगा और इस तरह ही लेवल आपने रखना है तो फिर सीधा जो है क्यारी के अंदर चले जाएगा। नमी का कोई ख़तरा नहीं होगा ना साथ वालों को ना आपको, तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। तो दोस्तों पानी का लेवल जो मैंने एक तरफ रख दिया और ये पाइप लगा दिया, जब एक्स्ट्रा पानी जमा होगा तो इसके ज़रिए जो है वो निकल जाया करेगा। ठीक है, आपने नीचे की तरफ सुराख नहीं करने क्यारी के, क्योंकि नीचे वाली जो जगह होगी उधर हवा कम ही लगेगी और अगर वहाँ से ही पानी जो है इस क्यारी का गिरता रहेगा तो फिर भी जो है आपके लेंटर में जो है नमी आ सकती है। और सीमेंट जो है आपने इस जगह का जो है काफ़ी तेज़ रखना, उससे होगा क्या कि जैसे ही पानी इसके ऊपर आएगा तो ये साथ ही जो है इससे सक कर लेगा, नमी नहीं आने देगा। जब क्यारी आपकी पूरी मुकम्मल हो जाएगी तो बहुत ही अहम चीज़ आपने पानी देना अपनी क्यारी में अच्छी तरह और देखना कि पानी का लेवल बिल्कुल सही है, किसी जगह पे रुक तो नहीं रहा। लेकिन जो है मुझे लगा कि पाइप जो है उसने थोड़ा सा ऊंचा रख दिया, पानी निकलता रहा लेकिन एंड में जो है यहाँ रुक जाएगा। पानी का लेवल जो है हमारा बिल्कुल सही है लेकिन जो है उसने पाइप थोड़ा सा ऊँची करके लगा दे, क्योंकि हम सर पर तो खड़े होते नहीं, बस उससे बता जाते हैं कि ये लगा दें, लेकिन उसने ये गलती की कि पाइप थोड़ा सा ऊँचा रख दिया। अब करना क्या होगा कि हमें थोड़ा सा जो है इस जगह से छैनी की मदद से तोड़ना होगा, जिसका जो है लेवल फिर बन जाएगा और हमारा पानी जो क्यारी में जमा नहीं होगा। ये चीज़ का आपने ख्याल रखना है क्योंकि थोड़ा सा एंड में पानी इस जगह रहेगा तो नमी आ सकती है। ऊंचाई जो है मैंने इसकी 2 फुट रखी, 2 फुट बहुत है, ज़्यादा हम वज़न लेंटर के ऊपर नहीं डाल सकते, तो 2 फुट जो है मैंने इस तरह ऊंचाई रखी है। आप देख लें ये बहुत होती, इससे ऊपर ना रखे। पहले मैंने 2.5 फुट सोचा था लेकिन फिर मैंने अपना इरादा जो है चेंज कर दिया, मैंने 2 फुट से कहा, तो 2 फुट जो है बिल्कुल सही होती है ऊंचाई। चुड़ाई में आपको दिखा रहा हूँ सामने दीवार से जो क्यारी की दर वाली दीवार है, ये 3 फुट है, 3 फुट बहुत है, 3x2 की समझ लें मैंने क्यारी बनाई है और लंबाई जो है इसकी तकरीबन 13 फुट है। ठीक है, आपने इतनी ही रखनी है, 3 फुट बहुत होती है। इसमें बहुत अच्छी आपकी सब्जियाँ अगर आप लगाते हैं तो ग्रो कर सकती, इससे ज़्यादा जो जगह उन्हें नहीं चाहिए होगी तो इतनी बहुत है। तो दोस्तों इसकी लंबाई भी मैं आपको बता देता हूँ, 13 फुट जो है मैंने इसकी लंबाई रखी है। ठीक है, यहाँ से लेकर जो क्यारी अंत है वो 13 फुट है। ठीक है, 2 फुट ऊंचाई है और चौड़ाई जो है 3 फुट है, तो इसमें तकरीबन जो है अगर मट्टी हम डालते हैं तो एक छोटी ट्राली आ जाएगी, तो इतना वज़न बहुत है छत के ऊपर। तो मैंने अपनी तरफ से आपको सारी एहतियाती तदबीरें बता दी हैं, तो आप क्यारी बना सकते हैं। तो दोस्तों क्यारी हमारी मुकम्मल हो चुकी है, इसे बनने में जो है तकरीबन 3 दिन लग गए और इस पर ख़र्चा जो है तकरीबन 25,000 रुपया हमारा जो है इस क्यारी के ऊपर लग गया। ठीक है, तो अपनी तरफ से जो मैंने सारी आपको इन्फॉर्मेशन दी है क्यारी बनाने से पहले, जो जो मुझे सही लगा, अगर आपको इसमें कोई कमी लग रही है कि कोई मैंने चीज़ नहीं बताई या कोई सवाल हो आपके दिल में तो आप मुझसे कर सकते हैं कि मैं भी देखूंगा क्या मैंने क्या गलती की। अपनी तरफ से तो मैंने सारी जो है ज़ेहन लड़ा कर जो इस तरह क्यारी बना ली है, बाकी आगे देखते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और क्यारी देख लें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत हो गई है। मज़ीद अगर आप क्यारी को अपडेट करते रहते हैं, जैसे टाइलें लगवा लेते हैं इसके अंदर बाहर खूबसूरत जो है मज़ीद आप कर सकते हैं, तो वही बात है जितना आप गुड़ डालते जाएंगे उतना ही मीठा होता जाएगा। ऐसा ऐसा जो हम इसे अपडेट करते रहेंगे, खूबसूरती की तरफ लाएँगे। अभी फ़िलहाल जो है मैंने इसे कहा कि बस क्यारी बने और पौधे लगाएँ।